ये सिर्फ आपको हाथ पकड़ने वाली बात है, यानी कि सिर्फ आपने अपने माइंड को बनाना है कि यार हम हाँ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो हल्के से काम स्टार्ट करते हैं। जब आपके अंदर एक भूख बढ़ेगी ना यार हमें और कमाना है, तो और कमाने के लिए आपको और ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल तैयब मजीद में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट स्किल सिखाने वाला हूँ जिसको आप फाइवर पर जाकर उसके सर्विसेज देकर आप अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको कैनवा के थ्रू काफ़ी सारी पोस्ट बनाना सिखा दिया है, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना सिखा दी है, लेकिन पता है मसला क्या है? मसला ये है कि जिस वीडियो में मैं जो स्किल भी बताता हूँ ना, वो सब के सब उसी स्किल में वही काम करना शुरू हो जाते हैं, वही स्किल और वही चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है और आप सिर्फ एक ही चीज़ में स्टक होकर रह जाते हैं। कंपटीशन की खैर है, आप जितने लोग भी पाकिस्तान के जितने भी लोग अगर इस काम करने लग जाएंगे ना, जो स्किल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के सारे नौजवान इस काम में लग जाएंगे तब भी पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें कंपटीशन का मसला नहीं है, इसमें मसला ये है कि आप एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं। अगर मैंने आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना सिखाया ना, तो सब के सब उसी सोशल मीडिया की पोस्ट में लगे रहे। आपको मैंने कैनवा एक सॉफ्टवेयर बता दिया, कैनवा आपने सिर्फ उसमें एक काम नहीं है, तो उसमें हज़ारों काम होते हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं है, उसमें वीडियो क्रिएशन भी है, उसमें आप वीडियो की सर्विसेज दे सकते हो, वीडियो एडिटिंग का काम भी कर सकते हो, और भी सोशल मीडिया से सिर्फ फूड का काम नहीं है। आपने सिर्फ रेस्टोरेंट की चीज़ों को पकड़ के उसमें भी बैठ जाना कि यार ये पोस्ट इस तरह से बनेगी, तैयब भाई ने सिखाया था तो चलो सारे काम इसे में लग जाए। आप एक चीज़ में स्टक हो जाते हो। वो टूल सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बना, वो टूल बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया है। तो एक एक चीज़ मैं आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आज भी उसी के एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और पहले उसको दिखाऊँगा कि फाइवर पर इस पर कितना काम है fiverr.com पर, और फिर उसके बाद आपको उस स्किल के बारे में बताऊँगा कि आपने काम करना किस तरह से है। तो आपने उस एक चीज़ में स्टक नहीं हो जाना, आपने उस कैनवा को एक्सप्लोर करना है कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ के अलावा बाकी की वीडियोज़ भी देखा करें कि मैंने बाकी की वीडियोज़ में क्या क्या बताया। जब मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बता रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि यार तैयब भाई अगर ये चीज़ नहीं बताई तो ये काम हम भी कर सकते हैं। तो ये काम ने जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वही आपने करना है, ठीक है? तो आ जाए चले हम फाइवर पर। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ रियल इस्टेट का काम। रियल इस्टेट का काम पता है क्या है? अब यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में, यूके में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ पे भी मतलब घर वगैरह और कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे रियल इस्टेट का काम लाजमी होता है। रियल इस्टेट मतलब आपने ना घर के आपने पोस्टर डिज़ाइन करने, अब आपने खुद डिज़ाइन नहीं करने, कैनवा पर बने बनाए रखे हैं, क्लाइंट के आपने रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको जो आपको रिक्वायरमेंट देगा, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देगा, उसको आपने उस फ्लायर में पुट करना है और आपने उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। पहले काम होगा किस तरह से, पहले आपको ये बताता हूँ। ये देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे fiverr.com पर, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रियल इस्टेट। पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में भी काम बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा यूके में, अमेरिका में, क्योंकि fiverr.com ज़्यादातर यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, आपको यूके के क्लाइंट मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मिलेंगे, अमेरिका के मिलेंगे, यहाँ पर रियल इस्टेट का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे मैं रियल इस्टेट यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ रियल इस्टेट के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल इस्टेट फ्लायर, या ब्रोशर लिख दें। ये देखें यहाँ पे बिज़नेस कार्ड आ गया है, यहाँ पे बाकी सारे और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था ब्रोशर्स, क्यों नहीं आ रहे थे? ये देखें यहाँ पे आ चुका है रियल इस्टेट ब्रोशर। आपने काफ़ी सारे अब ये ब्रोशर सिर्फ रियल इस्टेट के नहीं है, आप ये ब्रोशर और भी कैटेगरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन का काम है यहाँ, आपने ब्रोशर बहुत सारे प्रोडक्ट में देखा होगा। अगर आप कॉस्मेटिक की कोई चीज़ें लेते हैं तो उसके साथ एक वो मिलता है, आपको ब्रोशर मिलता है जिसमें उसकी इन्फो होती है। आज ये वाला काम आप कॉस्मेटिक के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लिखा ना रियल इस्टेट ब्रोशर, आप यहीं पर आके कॉस्मेटिक ब्रोशर लिखेंगे ना, मेकअप ब्रोशर लिखेंगे, तो आपको उसकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपने काम को एक्सप्लोर करना है। अब मैं यहाँ पर रियल इस्टेट पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखें कितनी यहाँ पे सर्विसेज हैं, यहाँ पे 12,501, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है? अब अपने कंपटीशन को भी देख कर चलना है कि आपने काम किस तरह से करना है।
अब यहाँ पे आ गया 12,000, हमने इसको और सैचुरेटेड करना है, हमने इसको और कम में लेकर आना है। जहाँ पे मैंने ब्रोशर लिखा है ना, अब यहाँ पे मैं फ्लायर लिख देता हूँ। फ्लायर और ब्रोशर आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग का पता होना चाहिए, काम सबका सेम टू आगे पीछे होता है, 19-20 काम ही होता है, आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट को आपने जानना पहचानना है। ये देखिए यहाँ पे कितना 8,812, कहाँ 12,000 थी और कहाँ 8,000, 4,000 का फ़र्क आ गया। तो आप इसमें अपना काम स्टार्ट करके देखें। ये देखें ब्रोशर यहाँ पे जैसे बनाए हैं इन लोगों ने, यहाँ पे मैं गिग ओपन करके बता देता हूँ आपको। ये देखें ये गिग्स पड़ी हुई हैं, ये गिग्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें इनके पास एक ऑर्डर इनके पास क्यों है, 204 ऑर्डर इन्होंने कम्प्लीट किए हुए हैं और एक काम कर रहे हैं 3,395, यानी कि 4,000 रुपये का एक ब्रोशर बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ ब्रोशर ही नहीं बनाते, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया ना ब्रोशर बनाना या वो फ्लायर बनाना। देखें फ्लायर और पोस्ट कार्ड फॉर यू, या फ्लायर हैं, ये फ्लायर हैं, और आपने देख लेना है कि लोग काम किस तरह से कर रहे हैं। ये देखें ये इनको पिक्चर और टेक्स्ट क्लाइंट ने दे दिया, डिज़ाइनिंग इनकी अपनी थी, और ये काम आप कैनवा पर जाके कर सकते हैं। किस तरह से काम कर सकते हैं, एक मैंने गिग ओपन की थी, एक गिग आपको ये दिखा देता हूँ। इन्होंने 32 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और इनका 2500 रुपये का एक फ्लायर है, ठीक है। ये आपको मैंने मोटा मोटा एक हिसाब बता दिया कि काम यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ canva.com पे, अब मैं आता हूँ कैनवा पे। तो कैनवा पर आने के बाद जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था वैसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ रियल इस्टेट फ्लायर, हमने कहा था ना फ्लायर। अब यहाँ पे मैं रियल इस्टेट फ्लायर पे आया, और यहाँ पे फ्लायर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास मल्टीपल आ गए, वो जो सेम टू सेम मैंने आपको उसके फूड वाले वीडियो में बताया था कि आपको बहुत सारे प्रोफेशनल किस्म के पोस्ट आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल किस्म के फ्लायर्स मिल जाएंगे। फ्लायर्स पे आने के बाद कोई भी एक जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उसका टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से कोई यहाँ पे फ्लायर चूज़ कर लें, उसका टेक्स्ट कम है तो उसी हिसाब से चूज़ कर लें। अब मैं मिसाल के तौर पे कोई एक फ्लायर यहाँ से चूज़ करता हूँ, उसको आपको एडिट करके बता देता हूँ कि यह काम होगा किस तरह से, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे और मैं चूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है। आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपने इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इसमें कर सकते हो, आप इस एक चीज़ में स्टक होकर नहीं रह जाना, आपने और भी बहुत सारे काम इसमें कर सकते हो। यहाँ पे देखें रियल इस्टेट, अब इसकी एक एक चीज़ में एडिट कर सकता हूँ क्योंकि कैनवा आपको हर चीज़ एडिट करने की आपको सहूलत देता है। यहाँ पे आप क्लाइंट का लोगो, जो आप क्लाइंट ने आपको लोगो देना है वो देगा, आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे लग्जरी रियल इस्टेट, उसका कुछ और टेक्स्ट हो सकता है, आप वो चेंज कर सक वो लिख सकते हैं। यहाँ पे लग्जरी लिखा हुआ है, मैं इसका फॉन्ट मैं कह रहा हूँ फॉन्ट इसका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, और मैं कुछ नॉर्मल आपको फ़ॉन्ट चेंज करके बता रहा हूँ कि फ़ॉन्ट यहाँ से इस तरह भी चेंज होते हैं, ठीक है जी। आपने फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, क्या जो आपको अच्छा लगे आप वैसे आपने रखना है फ़ॉन्ट। मैंने ये लिखा, मुझे थोड़े से बोल्ड टाइप के फ़ॉन्ट पसंद है ताकि उसमें टेक्स्ट जो है वो क्लियर नज़र आए थोड़ा सा, ठीक है। और मैं आपको और बता देता हूँ चीज़ें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि आप काम होता किस तरह से है। यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, और ये मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा यूँ, और मैं टेक्स्ट इसको और चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा लग रहा है बेकार सा। अब यहाँ पे देखें रियल इस्टेट लग्जरी लेयर इस्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कलर वलर सब चीज़ें A to Z सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखें लग्जरी रियल इस्टेट फॉर सेल मैं वैसे कैसे जो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने काम करना है, या तो सर आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे 20% डिस्काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके रिक्वायरमेंट हैं जो की पॉइंट्स होती हैं एक घर के अंदर के, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। क्लाइंट आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट दे देगा, आपने वो पुट कर देनी है। यहाँ पे डॉलर्स में पैसे लिखे हुए हैं, आप स्टार्ट फ्रॉम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब चीज़ें कलर वलर और यहाँ पे जो भी चीज़ आपने चेंज करनी है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख के उसको बना इस तरह से बनाकर आप उसको दे सकते हैं। ये देखिए ये सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप बेसिक काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप प्रोफेशनली अगर आप कैनवा का अगर आपने सीख लिया तो कैनवा से आप प्रोफेशनली बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कैनवा पर नहीं हो सकती। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, जब आप अर्निंग स्टार्ट करना शुरू हो जाओगे ना तो आपको एक यानी कि अंदर से आपको पैशन आएगा, यार जब हमने कैनवा सीख लिया तो हम फोटोशॉप भी सीखें, क्योंकि फोटोशॉप बाप है सबका।
फोटोशॉप के थ्रू ही ये सारी चीज़ें बनकर इस तरह से आती हैं। आप फोटोशॉप में कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे प्रोफेशनल डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको हाथ पकड़ने वाली बात है, यानी कि सिर्फ आपने अपने माइंड को बनाना है कि यार हम हाँ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो हल्के से काम स्टार्ट करते हैं। जब आपके अंदर एक भूख बढ़ेगी ना यार हमें और कमाना है, तो और कमाने के लिए आपको और ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ेंगी। तो ये होता है काम आपको स्टार्ट करने का। कैनवा पे आएँ, आप अपने पहले हाथ साफ़ करें, उसके बाद फिर आप फोटोशॉप पर भी काम आराम से कर सकते हैं। उसमें आप अपने प्रोफेशनल डिज़ाइन बना कर दे सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो, आपको मैंने बताया कि आपने किस तरह से काम करना। आप सब इसी वीडियो पर मत स्टक हो जाना, सही है, इसी स्किल पर मत स्टक हो जाना, आपने और एक्सप्लोर करने चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैंने फाइवर पर भी इसका दे दिया डेमो कि किस तरह से काम होता है, और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे वीडियोस में प्यार कर रहे हो, जो आप मुझे कमेंट्स में जो सवाल पूछे थे ना, उन सब के आंसर मैं दे चुका हूँ अब तक की, यानी कि पुरानी वाली वीडियोज में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सबके मैंने आंसर दे दिए हैं। तो आप अपना प्यार इसलिए ऐसे बनाए रखिए, और मैं आपको बेहतरीन वीडियोज देता रहूँगा। पहले मैं आपको स्किल सिखा रहा हूँ, स्किल सिखाने के बाद फिर मैं आपको फाइवर की पूरी क्लास दूंगा। फाइवर का अकाउंट बनाने से लेकर उसकी गिग बनाने से लेकर ऑर्डर डिलीवर करने तक A to Z पूरा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी क्लासेस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, जैसे ये वाली वीडियोस आपके साथ फ्री शेयर कर रहा हूँ, बाकी सारी वीडियोस भी आपके साथ फ्री शेयर करूँगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको सिर्फ मैं पहले पका रहा हूँ, जैसे आप देखते पक जाएंगे ना यार अब ये हमने सीख लिया तैयार भाई, अब हमें अकाउंट बनाना सिखा दें, तब मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। और बाकी वो इस वीडियो से आप जो कुछ सीख सकते हैं सीखें, और बाकी इस अकाउंट से भी आप जो कुछ सीख सकते हैं सीखें, और बाकी भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है, आपने किस तरह से चीज़ों को लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इसी चीज़ पर स्टक नहीं हो जाना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है आपने, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।